उसकी एक टांग है अंग्रेज के मुकाबले में आजादी की जद्दोजहद और दूसरी टांग है मुसलमान की दुश्मनी। तकसीम के बाद इस हिंदू कौम परस्ती की एक टांग आपसे आप टूट जाएगी, क्योंकि अंग्रेज के मुकाबले में आजादी की जद्दोजहद का मकसद पूरा हो जाए। इसके बाद ये कौम परस्ती सिर्फ एक टांग पर खड़ी होगी और वो मुसलमान की दुश्मनी है, और हिंदू कौम परस्त पूरी कोशिश करेगा कि अपनी इस टांग को बरकरार रखे और उसकी खातिर हर जुल्म सितम आपके ऊपर करेगा, लेकिन आपको एक मुद्दत दराज तक उसको बर्दाश्त करना चाहिए। उसके बाद आप यकीन रखिए कि हिंदू कौमियत अपने अंदर जो तजादात रखती है आखिरकार वो बरसरेकार आएंगे और उन तजादात की बदौलत ये कौम परस्ती खुद बखुद अपने बुरे अंजाम को पहुंचेगा। उस वक्त तक आपको सब्र। भारत के हिंदू का ये डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है कि इस जमीन को पाक करना है, ये नजिस है, ये मलिच है मुसलमान, और इनको यहां से खत्म करके दम लेना है। देवरस का अभी एक सर्कुलर शाये हो चुका है, तमाम हिंदू समाजी सियासी तंजीमों को उसने ये लेटर भेजा है, सर्कुलर भेजा है कि अब वक्त आ गया है कि हम कमर कस ले कि भारत की पाक सरजमीन को मुसलमानों की निजासत से हमें पाक करना है।